नमस्कार जय हिंद ऑल ऑफ यू सभी को राम राम जय हिंद नमस्कार सलाम वालेकुम फटाफट फड़ से आ जाए भाई बिल्कुल बिल्कुल जय राम जी की गुड इवनिंग राम राम गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्रणाम गुरुजी, जी प्रणाम भाई फटाफट से एक बार सभी के सभी शेयर कर दें बिल्कुल आगे साहब लक्ष्मी नारायण जी पधार गए हम है ना दिख गए होंगे आपको अब तक तो शायद है। सभी के सभी एक बार शेयर कर दें क्योंकि टॉपिक ही ऐसा चल रहा है कि जिसको देखकर है ना हर किसी का पढ़ने का मन करता है इस टॉपिक को देखते ही एक बार कोई भी स्टूडेंट हो अगर वो कंपिटेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका एक बार मन जरूर करेगा कि यार लाइव सेशन ज्वाइन करे क्योंकि ये वो चैप्टर है 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 जो किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन करवा सकता ठीक है। है? अगर इस चैप्टर पे कमांड नहीं है तो ये करी कराई सारी तैयारी पर पानी फेर सकता है तो अगर ये टॉपिक तैयार है तो आदमी को ये बड़ी से बड़ी किसी मंजिल तक पहुंचा भी सकता है यदि कोई कंपटीशन जिसमें रीजनिंग काफी कुछ हद तक वेटेज रखे तो ठीक है बिल्कुल सभी के सभी शेयर कर भैया चलते कल दस बारह एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई जिसमें केवल बेसिक चीजें आपको समझाई कि, कि किस प्रकार से कथनों के आधार पर निष्कर्ष को चेक किया जाता है आज उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे ठीक है आज उसमें थोड़ा और अपडेट डालेंगे कुछ नई चीजें और ऐड करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि लास्ट जो इसका कंसेप्ट होगा जिसमें या तो की शर्त डाली जाती है वहां तक किसी स्टूडेंट के कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल नहीं आएगी आज का जो सेशन पूरा कंप्लीट अटेंड कर लेगा ना उसके बाद उसके न्याय वाक्य के के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती ठीक है बाकी इसके बाद दो क्लासेस अपन और लेंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे उसमें प्रैक्टिस से आप अपने आप को परख कर लेना अपने आप को चेकआउट कर लेना कि मेरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ ठीक है करें स्टार्ट दोस्तों चलिए ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है ठीक है बारवा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है क्योंकि ग्यारह क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुके थे इस क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना है तीन आपके सामने स्टेटमेंट है दो कंक्लूजन है तीन कथन है दो निष्कर्ष है आपको इनको देख के ये बताना है इन कथनों के आधार पे कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा नीचे इनके पांच ऑप्शन डाले गए हैं कि पहला सही है दूसरा सही है या तो पहला या दूसरा सही है न पहला न दूसरा सही है लास्ट कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही है ठीक है चलिए बताइए दोस्तों जय हिंद भाई राजन कुमार जय श्रीनाथ जी ओपी पी राम राम बताइए क्या आंसर होगा फिर बता देता हूं कंसेप्चुअल जो मेथड है जो ट्रिक है सैद्धांतिक विधि से जो पढ़ाया जाता है उस तरीके को अप्लाई मत करना आप वेन डायग्राम विधि को ही अप्लाई करना डायग्राम बना के ही क्वेश्चन सोल्व करो ताकि एक परसेंट किंचित मात्र भी संख्या का सब्जेक्ट नहीं रहेगा आपका आंसर करेक्ट ही आएगा सरोज कुमारी का आंसर चार आ गया अनिल जांगिड़ का बी आ गया अनिल का सेकंड आ गया पूजा राजावत का चार आ गया हरीश कुमावत का ए आ गया सोनी कुड़ी सेकंड आ गया एन के मुआल सेकंड आ गया सागर वर्मा सेकंड आ गया अरुण चौधरी का सेकंड आ गया सुनीता पचार का चार आ गया एनके मुआल सेकंड, हरीश कुमावत ए अरुण चौधरी सेकंड अब देखो आप सुनील जाखड़ का सेकंड पहले इनसे अपने एक डायग्राम बनाते हैं देखो दोस्तों समझते जाओ आराम से हर चीज समझ में आएगी कुछ पुस्तक पेन है तो लो कुछ की स्थिति है डायग्राम यह बनेगा कुछ पुस्तक हो गई पेन खुला खुला डायग्राम बनाते हैं चीज आराम से समझ में आ जाएगी दूसरा कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है पेन के आगे यह पेंसिल एक बात याद रखना जैसा डायग्राम बन जाता है वैसा ही बनाना इसमें और एडवांस अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है बाकी अपन निष्कर्ष पे चेक कर लेंगे क्या करना क्या नहीं करना अगला कह रहा है कुछ पेंसिलें बटन है तो ये कुछ पेंसिलें बटन हो गई ये आपके चार सब्जेक्ट है चारों के बीच में कुछ का संबंध है तो इसके आधार पर आप चेक करो निष्कर्ष क्या कह रहा है पहला कुछ बटन पेन है दोस्तों ये बटन और ये पेन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट संबंध है क्या नहीं है अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो ठीक है दूसरा कुछ पेंसिलें बटन है देखो पेंसिल और बटन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना अगर किसी कथन को एज इट इज ऐसा का ऐसा किसी निष्कर्ष में रिपीट किया जाए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना अगर किसी कथन को ऐसा का ऐसा किसी निष्कर्ष में रिपीट किया जाता है तो वो कथन कतई सत्य नहीं हो सकता क्यों कारण सुन लो क्यों नहीं होता कोई भी कथन की फोटोकॉपी जेरोक्स अलाउड नहीं है मतलब क्यों इसके पीछे कारण क्या है वो सुनो आप कथन जो दिए जाते हैं ना दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में वो कथनों के बारे में मैंने कल भी बोला था आज और बोल देता हूं कि कथन हमेशा सही होते हैं कथन कभी गलत नहीं हो सकते कथनों के आधार पे निष्कर्ष सही गलत हो सकते हैं बाकी कथन कभी गलत नहीं होता अब आप ये सोचो अगर किसी कथन को वापस निष्कर्ष में डाल दिया और आपसे ये पूछे कि क्या ये सही है क्या इसका मतलब जैसे ये है वाला कथन लिखा हुआ है मतलब ये सही है लेकिन अगला दोबारा पूछ रहा है आपको कि क्या सही है क्या ये इसका मतलब उसको आप पर शंका है इस वाले कथन के ऊपर उसको विश्वास नहीं है कि ये सही है या नहीं है शंका यानी संभावना पैदा हो गई तो और जहां संभावना पैदा हो जाती है वहां पर अगर सात वाली संभावना दी हुई नहीं है तो फिर उसको हमेशा गलत ही माना जाता है इसलिए आपको तो सीधा सीधा एक ही ध्यान रखना है कि अगर किसी कथन को रिपीट किया गया है निष्कर्ष में तो वो कथन कतई सत्य नहीं हो सकता वो डायरेक्ट कट जाएगा गलत हो जाएगा तो दोनों के दोनों निष्कर्ष निष्कर्ष सही नहीं है आंसर होगा चौथा न न तो एक दो बहुत गजब का शानदार क्वेश्चन था यह चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना किसी भी कथन की रिपीटेशन अलाउड नहीं है यह ध्यान रखना अगर रिपीट कर दिया इसका मतलब गलत हो गया करो इस बात पे लाइक सारे के सारे चलते अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल लाइक करने में कंजूशी मत करना इतने गजब के कंटेंट गजब के कंसेप्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं तो फिर उस मेहनत का फल हमें भी मिलना चाहिए यार है ना चलिए पढ़िए क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा सभी स्प्रदायिक खेल है सभी ओलंपिक खेल है सभी मौके ओलंपिक है क्या आंसर होगा बताओ हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था अब अब वैसे ही आएंगे यार अब तो धीरे धीरे अपन लोग लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना कल वाले क्वेश्चन ही कैसे डालते रहे कल वाले डालते रहेंगे तो फिर चैप्टर कब पूरा होगा और उन क्वेश्चनों का सामना कब करोगे जो क्वेश्चन भीड़ की चटनी करके आपको आगे लेके जाएंगे बढ़ाओ पहले डायग्राम सभी स्प्रदाय खेल है सभी ओलंपिक खेल है और सभी मौके ओलंपिक है दीप्सा का आंसर सेकंड सुनीता प्रचार फोर्थ सौरभ कुमार का फोर्थ राहुल मीणा का फोर्थ विकास योगी का फोर्थ सरोज कुमारी का फोर्थ एनके मुआल का फोर्थ अनिल जांगिड का सेकंड, सोनी कुड़ी फोर्थ हरजिंदर सिंह का फोर्थ जीतू सिंह आज क्विज नहीं आया चलो देखते हैं भाई पूछते हैं क्यों नहीं आया माया पाटीदार का फोर्थ आ गया अब देखो समझो आप सभी स्पर्धाएं खेल है सभी ओलंपिक खेल है आप एक बात बताओ स्पर्धा और ओलंपिक दोनों का खेल के साथ सभी का संबंध है ना मतलब ये दोनों के दोनों खेल के साथ सभी का संबंध रखते हैं खेल इन दोनों के ऊपर आएगा तो ये में स्पर्धा और ये ओलंपिक ये स्पर्धा है और ये हो गया आपका ओलंपिक ठीक है दोनों में संबंध हो भी सकता था लेकिन मैंने आपको क्या कहा डायग्राम इजी से इजी बढ़ाओ निष्कर्ष अपन चेक करते रहेंगे क्या है ये दोनों के दोनों क्या हो गए खेल हो गए अब अगला क्या देखो तीसरा क्या करा सभी मौके ओलंपिक है सभी मौके ओलंपिक मतलब ओलंपिक के अंदर कौन आ जाएगा मौका आ जाएगा हो गया बन गया डायग्राम बन गया तो चलो आप अगला पहला क्या कर रहा है कुछ खेल मौके नहीं है देखो दोस्तों खेल और यह हो गया मौका खेल से मौके प्यारा खेल से आ प्यारा है मौके प्यारा है आप एक चीज देखो बाहर से अगर अंदर की ओर आता है तो फिर उसमें कौन सी स्थिति सही होती है दोस्तों आप तो सभी का डायग्राम में मैंने बताया था अंदर से बाहर की ओर जाएंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा सभी का और से अंदर क्यों रहेंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा कुछ का तो कुछ खेल मौके नहीं है ये देखो खेल ये मौका दोनों के बीच में बाहर से अंदर आ रहा है। किसका संबंध हो रहा है कुछ का संबंध हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कुछ का संबंध है तो अगला है कुछ खेल मौके है और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कुछ स्पर्धाए मौके है देखो स्पर्धा मौके के बीच कोई संबंध नहीं है यह तो डायरेक्ट कट गया अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बहुत गजब की चीज है शानदार चीज है कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जिनके बीच कुछ का निष्कर्ष निकल के आता है तो उस कुछ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निष्कर्ष सही होते हैं अगर कुछ खेल इस मौका है ये वाली बात सही है तो कुछ खेल मौका नहीं है यह वाली बात भी सही है अरे सीधा सीधा सोच लो अगर मैं कहूं कि 100 पुरुषों में से चालीस पुरुष शिक्षक है तो बाकी बचे हुए साठ तो नहीं है ना तो कुछ पुरुष शिक्षक है अगर यह सही है तो कुछ पुरुष शिक्षक नहीं है यह वाली बात भी सही है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है केवल निष्कर्ष एक सही है यह आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2017 का पेपर सर्च कर लेना दोस्तों आया हुआ सवाल है केवल निष्कर्ष एक सही है गजब का क्वेश्चन है इस बात पे सभी के सभी जितने लाइव बैठे हैं लाइक नहीं किया वो लाइक करें इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट से आंसर बताएं क्या है? थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों अब सविता नागर सी सी कहां से दे रहे हो सी में तो याद तो एक या दो कहां से सही हो गए हाँ ए आंसर सही है बिल्कुल करेक्ट है एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप इसका आंसर दो कुछ रद्दी सफेद है कुछ सफेद पानी है कुछ पानी रद्दी है ठीक है तो अगला कह रहा है कुछ रद्दी रद्दी जो सफेद है वह है पानी है कुछ पानी न तो रद्दी है न सफेद है बढ़िया एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन है बताओ क्या आंसर रहेगा बाबा जी का आंसर फर्स्ट आ गया सरोज का आंसर फर्स्ट आ रहा है दीप्सा का थर्ड आ रहा है हरजिंद्र का ए आ रहा है के मुवाल का फर्स्ट आ रहा है सुरेश सोनिया का ए आ रहा है अभिषेक झाजड़ा का पांच आ गया सोनी कुड़ी का ए आ रहा है सविता नागर गुड इवनिंग हरी अनिल का पांच आ गया हरीश का पांच आ गया गोपाल शर्मा एक आ गया माया पाटीदार ए आ गया चलो कुछ रद्दी सफेद है ये लो ये कुछ रद्दी सफेद ये कुछ रद्दी हो गई सफेद फिर कह रहा है कुछ सफेद पानी है यह कुछ सफेद पानी और फिर कह रहा है कुछ पानी रद्दी है कुछ पानी रद्दी देखो कुछ पानी रद्दी है मतलब डायग्राम फिर कौन सा बनेगा डायग्राम ये बनेगा देखो ये हो गई दोस्तों रद्दी ये हो गया सफेद और कुछ वापस जो सफेद पानी के साथ बता रहा है पानी का संबंध रद्दी के साथ भी है मतलब पानी आएगा दोनों के साथ कॉमन डायग्राम बन जाएगा ये ठीक है अब देखो पहला कुछ रद्दी जो सफेद है कुछ रद्दी जो सफेद है वह है पानी भी है बिल्कुल सही बात है देख लो रद्दी और सफेद के कॉमन क्षेत्र का यह वाला जो भाग है वो रद्दी और सफेद के साथ साथ पानी में भी है इसके साथ भी कॉमन है इसलिए यह वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों समझ में आया ठीक है अगला कुछ पानी कुछ पानी न तो रद्दी है न सफेद है बिल्कुल यह भी सत्य बात है देखो पानी का इतना जो हिस्सा है यह वाला जो पोर्शन है यह न तो रद्दी से संबंधित है न सफेद से संबंधित है तो यह वाली बात भी बिल्कुल सत्य है आंसर होगा पांच दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है गजब का सवाल है शानदार क्वेश्चन है हर एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पे लाइक का आंकड़ा बढ़ाते चलो लाइव का आंकड़ा बढ़ाते चलो ताकि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाते चलेंगे ठीक है समझ में आया कि नहीं आया कोई डाउट किसी को साफ साफ चीजें दिख रही है डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकली चलेना तो ट्रिक से तो फिर यही कहा जाता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन राइट होता ही नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है ठीक है <स्थ> चलिए बताइए बॉबी रावत राम राम भाई बाबा जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अरे थोड़ा विजन बढ़ाया यार वो तेरी क्या फोन में क्या आती है क्लियरिटी आती है ना हाँ थोड़ा उसको बढ़ा 240 पिक्सल 360 पिक्सल क्या आता है उसको बढ़ाओ थोड़ा सा पढ़ो अगला सवाल सभी जिले शहर हैं सभी राज्य शहर हैं कुछ शहर देश हैं बताइए राजू कुमावत राम राम भाई राजू कुमार लाइव तो बीस मिनट से चल रहा है राम राम अब कर रहा है यार सभी जिले शहर हैं सभी राज्य शहर हैं दोनों चीजें देख लेना जिले और शहर दोनों के दोनों किस में है जिले और राज्य दोनों शहर में हैं। सभी जिले शहर हैं सभी राज्य शहर हैं और कुछ शहर देश हैं तो फिर दो स्टेटमेंट है बताओ कौन सा सही है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आप तो बस कंटिन्यू बने रहो पेन और कॉपी पास में रखो डायग्राम बनाओ निष्कर्ष चेक करो आंसर बताओ विद इन थर्टी सेकंड तीस सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है एक स्थिति और समझानी है या तोवाड़ी उसके बाद में तो फिर आने दो कैसे क्वेश्चन आते हैं अनुसुईया वर्मा आई एम न्यू स्टूडेंट कोई बात नहीं अनुसुईया जी यहां सारे के सारे न्यू ही बैठे हैं है ना और जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो सबके लिए ही न्यू है चिंता मत करो आप लेकिन ये चैप्टर है ना ये बहुत स्टैंडर्ड है इसको समझने में आपको ये सोचो कि एक एक का चीज समझ में आ आ जाए वो नहीं आ सकती क्योंकि इसमें कई कई रूल होते होते हैं हैं उनको पकड़ना पड़ता है है अपने ठीक आप क्लास कंटिन्यू बने रहो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तीसरा चौथा पांचवा तीनों आंसर चल रहे हैं तीसरा चौथा पांचवा तीनों चल रहे हैं मतलब या तो एक या दो वाला भी बता रहे हैं न तो एक न दो वाला भी बता रहे हैं एक और दो दोनों भी बता रहे हैं अब देखो कौन सा होगा सभी जिले शहर हैं, सभी राज्य शहर हैं। ये दोनों के दोनों है ना शहर के अंदर होंगे तो दोनों को अलग अलग लगा देता हूं दोनों में संबंध भी हो सकता था दोस्तों लेकिन नहीं बढ़ाएंगे अपन अपनी तरफ से इजी से इजी डायग्राम बढ़ाएंगे फालतू एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे जहां लगाने की जरूरत पड़ेगी ना वहां अपने आप लगा लेंगे अगला कुछ शहर देश है ये लो शहर और देश ये देश वाला डायग्राम इनके साथ भी संबंधित हो सकता था लेकिन मैंने क्या कहा जैसा अगला बोलता है वैसा ईजी से इजी डायग्राम बढ़ा दो फिर बाकी निष्कर्षों पे देखेंगे क्या करना है।, है ना पहला कुछ राज्य जिले हैं दोस्तों देखो ये ये राज्य और ये जिला कोई संबंध है नहीं है काट दो ठीक है कुछ देश राज्य हैं ये देश और ये राज्य कोई संबंध है नहीं है दो आंसर फोर्थ होगा तो निष्कर्ष एक और दो दोनों में से कोई भी सही नहीं है दोनों के दोनों गलत है बोलो समझ में आया कि नहीं आया पूजा दोनों सही बता रहे हो गलत कह रहे हो सरोज कुमारी केवल फर्स्ट को सही बता रहे हो कैसे सही बता रहे हो फर्स्ट में क्या संबंध दिख गया आपको जिले और राज्य में है <coughs> संबंध होता ना तो भी संभावना बनती और वह संभावना की अभी अपन बात ही नहीं कर रहे संभावना को तो अभी स्टार्ट करूंगा मैं है ना चलिए लाइक बढ़ाते चलो लाइक में कंजूशी मत करो लाइक बढ़ाते चलो ताकि मेरा जोश बढ़ता जाए आप भी सोच सकते हो सुबह सात बजे से क्लास लेते हैं और ये लास्ट क्लास शाम को सात से आठ होती है तो इसमें आप जितना जोश दिलाओगे उतना ही जोश आएगा है ना अभिषेक जाजड़ा मेरे सभी सही आ रहे हैं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है नौकरी लग जाओगे हरदीप जालोपिया एक बार फिर से बताओ फिर से बताएं वाह चलो बताएंगे फिर से बताएंगे ये करो आप अब सामने वाला आ गया तो फिर इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे पहले ये बताओ कुछ बादल राख है कुछ राख कण है सभी कण तत्व है फिर कह रहा है कोई कण बादल नहीं है कुछ तत्व राख है आंसर सरोज का आ रहा है पांच कैलाश जाकड़ का आ गया चार अभिषेक का पांच दीप्सा का पांच सुरेश सोनिया दो हरीश कुमावत पांच एन के मोआल पांच अभिषेक जाजड़ा पांच सुनील गुजर गुड इवनिंग भाई फर्स्ट भी आ रहा है संदीप चौधरी का बाकी लगभग का पांच चल रहा है है ना चल कुछ बादल राख है ये बादल और राख में कुछ का संबंध हो गया ये कुछ बादल राख हो गया कुछ राख कण है यह राख और ये कण हो गया सभी कण तत्व है तो कण के ऊपर कौन आ गया तत्व आ गया क्योंकि सभी का संबंध है बन गया डायग्राम बन गया तो फिर सब कुछ बन गया आ जाओ फिर निष्कर्षों पे। पहला कोई कण बादल नहीं है ये कण और ये बादल ठीक है एक बात सुन लो दोस्तों तीनों के तीनों जो कथन है वो पॉजिटिव है या नहीं है तीनों के तीनों कथन में कहीं कोई नेगेटिव बात करी है क्या अगले ने किसी के मना करने के लिए कहा है क्या अगले ने सुनना बात को ध्यान से किसी के लिए मना करने के लिए कहा है क्या ने? नहीं कहा है ठीक है अगर नहीं कहे ना तो जो सकारात्मक कथन होते हैं उनमें पूर्णतः नकारात्मक निष्कर्ष कतई सत्य नहीं हो सकता कोई कण बादल नहीं है कण और बादल आपको अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इनके बीच संबंध बढ़ सकता है दो मिनट के लिए समझाता हूं फिर सीधा तो मैंने बताई दिया कि पूर्णतः सकारात्मक कथनों में पूर्णतः नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं हो सकता जब तक इसका जोड़ीदार इसके साथ नहीं बैठ जाए और वो जोड़ीदार वाली स्थिति है ना वही सबसे टिपिकल है मतलब अगर कोई कण बादल नहीं है इसके साथ कुछ कण बादल है यह दोनों चीजें लिखी हुई होती ना तो अपने, अपने इस पे विचार करते लेकिन सीधा सीधा है तो ये डेफिनेटली गलत है अभी समझाऊंगा क्यों है दूसरा चेक कर लो एक बार कुछ तत्व राख है सेकंड वाला सही है आंसर तो आपका होगा ये अब सुनो आप ये स्थिति मैंने क्यों बताई कि कोई कण बादल नहीं है बादल और कण में एक डायग्राम तो ये बन गया कौन सा एक तो ये बन रहा है ये तो क्या है बादल ये है तत्व और ये क्या था ये था राख और पीछे वाला एक और क्या रह गया ये रह गया कण ये रह गया कण एक डायग्राम तो ये बन रहा है दूसरा एक डायग्राम देखो इसमें और भी बनता है ऐसा बादल राख कण और यह तत्व सुन लो जब बात आ गई है तो समझाता हूं ढंग से सुनना ठीक है जब तक जो कथन दे रखे हैं वो हमेशा सही होते हैं आप किसी भी किशन के कथनों से एक से ज्यादा डायग्राम भी बना सकते हो लेकिन शर्त इतनी है कि जितने भी डायग्राम आप बनाओ उनसे कभी कथन गलत नहीं होना चाहिए कथन सारे के सारे सही रहने चाहिए जैसे पीछे वाला जो एग्जाम्पल है इसमें मैं अगर यह डायग्राम भी बनाता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है देखो यह है बादल यह क्या है राख यह है कण और यह है तत्व चेक कर लो वापस तीनों कथन चेक कर लो इस डायग्राम से भी तीनों सही है कुछ बादल राख है कुछ बादल राख है देख लो बिल्कुल है कुछ राख कण है कुछ राख कण है बिल्कुल यह बात भी सही है राख और कण में कुछ का संबंध है और तीसरा सभी कण तत्व है सभी कण तत्व है यह भी सही है दोनों डायग्राम से यह सारे कथन सही है तो यह दोनों के दोनों डायग्राम भी सही है अब देखो इसमें अगर अपन ने देखा तो क्या संबंध मिला कोई कण बादल नहीं है कोई कण बादल नहीं है और इसमें देखा तो क्या दिखा कि कुछ कण बादल है सीधा बता दूंगा सॉट्रिक बता दूंगा चिंता मत करो एक बार समझ लो आप ठीक है कोई कण बादल नहीं है इसमें देखा तो कण और बादल में कोई संबंध नहीं था और इसमें देखा तो कुछ कण बादल है दोनों की दोनों संभावना बन गई क्योंकि दोनों डायग्राम सही है एक से आंसर ये दिख रहा है एक से आंसर ये दिख रहा है इसका मतलब मुझे एक बात बताओ आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हुए कि या तो ये सही है और या ये सही है ये जो देखो आप ध्यान दे रहे हो अगर ध्यान दे रहे हो तो ये एक हर क्वेश्चन में ये एक निष्कर्ष एक ऑप्शन चल रहा है इसका मतलब वही है ठीक है दोनों में से या तो एक सही है या दूसरा सही है ठीक है अब कौन सा सही है ये अपन नहीं कह सकते इसलिए सुन लेना अब सीधा बता दूं अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं कोई कण बादल नहीं है कुछ कण बादल है अगर दोनों के दोनों कथन निष्कर्षों में लिखे हुए हैं तब तो अपन दोनों को सही मान लेंगे या तो के अनुसार कि या तो ये सही है या ये सही है लेकिन अगर इन दोनों में से एक ही कथन को निष्कर्ष में दिया हुआ है तो जरूरी है क्या कि जो दिया हुआ है वही सही होगा जैसे इन दोनों में से ऊपर वाले में ये वाला देखो दे रखा है वहां तो जरूरी है क्या यही सही होगा यह भी तो सही हो सकता है कंफर्म नहीं कर सकते अगर एक दे रखा है इसलिए उसको अपन क्या करते हैं गलत करते हैं सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट सुनो क्या करना है अगर दोनों संभावनाएं दे रखी है तब तो दोनों को सही करना है या तो के शर्त के अनुसार कि या तो यह सही है या ये सही है लेकिन अगर दोनों में से कोई एक दे रखी है तो उसको डायरेक्ट गलत करना अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी मातापच्ची करनी पड़ेगी क्या इस चीज में नहीं करनी पड़ेगी ठीक है अब सीधा कैसे पता लगाएंगे वो सुन लो सारे के सारे एक बार ध्यान से समझ लेना डायरेक्ट बता रहा हूं सीधा सीधा कैसे बताना है डायग्राम दूसरा बनाना ही है डायग्राम अपने एक ही बनाएंगे ठीक है किस, किस के बीच में संबंध चाहता है कण और बादल ये रहा कण और ये बादल दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या नहीं है अब आपको क्या करना है हर निष्कर्ष के ऊपर अगले से एक बार यह पूछना है कि मैं इन दोनों के बीच कोई संबंध बनाने जा रहा हूं तेरे को तकलीफ है क्या कथन से पूछना है क्या किस कथन में कोई भी नेगेटिव बात लिखी क्या कथन ने मना नहीं करा कथन यह कह रहा है कि यह तीन काम जो मैं कह रहा हूं वो कर लो बाकी जो आपकी मर्जी है वो करो जिसके साथ चाहे संबंध बढ़ाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं है ठीक है तो बादल और कण में कोई संबंध नहीं है लेकिन उसको ऐतराज नहीं है तो अपन संबंध बढ़ा सकते हैं और संबंध बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी संभावना संभावना दोनों दी हुई नहीं है नहीं है तो गलत है ठीक है ये होता है संभावना का मसला पूरा का पूरा लेकिन सीधा सीधा इस क्वेश्चन में तो माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है तीनों के तीनों कथन पूरे के पूरे सकारात्मक है तो पूरे का पूरा नकारात्मक निष्कर्ष तो सही हो ही नहीं सकता यह गलत है यह सही है केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन सही होगा गजब का शानदार क्वेश्चन था बहुत गजब का सवाल है इसमें वो कहावत दोस्तों सीधी सी लागू होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है सेम टू सेम चीज लागू हो रही है वाह मैं तो इतना समझा रहा था आज देख तो बातें कर रहे हैं आपस में वाह ठीक है ये चीज अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे के सारे इसी के ऊपर डिपेंडेड क्वेश्चन आएंगे यही कंसेप्ट होगा समझ में आ जाएगा दो तीन क्वेश्चन करोगे ना आराम से बात समझ में आ जाएगी कि हां अब ऐसे करना है पता लग जाएगा कहां पे संभावना है कहां पे नहीं है अगला क्वेश्चन बताओ आप इस क्वेश्चन पे विचार करो आपको समझाने का काम मेरा है चिंता मत करो आप रेगुलर लगे रहो क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो एक बार देखने से समझ में नहीं आती इसीलिए मैंने कल स्टार्ट करते कहा था कि दोस्तों न्यायवा के चैप्टर बहुत गजब का चैप्टर है कई कंफ्यूजन है इसमें इसलिए अच्छे से समझते जाना चलो बताइए कुछ बोल रैकेट है कुछ रैकेट बेट है सभी बेट नेट है डायग्राम बनाओ चेक करो दोनों के दोनों अरे इसको सीधा भी देख सकते हो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी और बता यहां और समझा दूंगा देखो सीधा कैसे देखेंगे योगेश पचार का आ रहा है फर्स्ट राहुल कुमार तेरे समझ में आ गया क्या <laughs> पूजा जी पूछ रहा है समझ में आ गया क्या <laughs> सरोज का फर्स्ट एनके मुआल फर्स्ट सरोज का फोर्थ आरसी द गेमिंग का फर्स्ट अनिल का फर्स्ट राजूराम बटन का फर्स्ट सुरेश कुमार यादव का सेकंड प्रेम सुख का फर्स्ट ओपी सारण फर्स्ट अभिषेक जाजड़ा पांच हरीश कुमावत का चार दीप्सा का चार चलो अब समझाता हूं देखो समझो कुछ बोल रेकिट है ये बोल ये रेकिट कुछ बोल रेकिट हो गए ठीक है कुछ रेकिट बेट है यह रेकिट, रेकिट सभी बेट नेट है तो बेट के ऊपर ये आ गया नेट हो गए अब चेक करो कोई नेट बोल नहीं है दोस्तों ये रहा नेट ये रहा बोल दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है लेकिन एक चीज देख लो आप ये नकारात्मक कथन है ना एक चीज तो सीधी सी समझ में आ गई कि तीनों सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष अगर है तो वह गलत हो गया पूर्णतः सकारात्मक में पूर्णतः नकारात्मक गलत है लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना कि इसके देखो नेट और बोल तो इससे मिलता जुलता संभावना अगर कौन सी कुछ नेट बोल है अगर यह निष्कर्ष में दिया हुआ होता ना तो अपन विचार करते नहीं दे रखा है तो क्यों विचार करें गलत है पहली बात तो सीधा सीधा ही गलत है कि पूर्णतः पूर्णतः नकारात्मक हो ही नहीं सकता लेकिन अगर पूर्णतः नकारात्मक के साथ इसकी संभावना दी हुई होती तो अपन इस पर विचार कर लेते लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है क्यों करें भाई है अब चेक कर लो दूसरा सभी रेकिट नेट है ये रेकिट और नेट रेकिट और नेट के बीच में दोस्तों संबंध तो है लेकिन कुछ का है इसको सभी का चाहिए गलत है दोनों के दोनों गलत है आंसर होगा फोर्थ न तो एक और न दो सबके लगभग गलत है कोई दो चार पांच जनों ने आंसर सही दिया ढाई सौ में से बाकी लगभग ने गलत कर दिया अरे यार यही तो चीज मैंने समझाई है और समझाया क्या आपको ठीक है चौथा आंसर है बिल्कुल अब सही दे रहे हो जो सोच विचार के आंसर दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि हां फोर्थ ऑप्शन होगा सेकंड नहीं होगा फर्स्ट नहीं होगा तो और कोई भी नहीं होगा क्लियर है चलिए अरे क्लियर है तो बढ़ाओ लाइक यार एक झटके में सो लाइक पहुंच जानी चाहिए अब की बार इस क्वेश्चन के ऊपर बताओ सभी पिन हथोड़े हैं कुछ हथोड़े चम्मच हैं सभी चम्मच प्लेटें हैं ये तीन स्टेटमेंट हैं और दो निष्कर्ष हैं बताओ क्या रहेगा गोपाल बागड़ा का आंसर आ गया डी गोपाल चेक तो कर रहा है ना कहीं पीछे वाले का डी है तो अब की बार भी डी है, है? लक्ष्य गुड इवनिंग लेट आए हो लक्ष्य जी हरदीप जालोपिया का फोर्थ आ गया सुनील कुमार बनारा का थर्ड आ गया योगेश पचार का फर्स्ट आ रहा है दीप्सा का सेकंड आ गया प्रिया कुमारी गुड इवनिंग सरोज कुमारी का फोर्थ आ गया दीपसा सेकंड आ गया इनके मुआवल का थर्ड आ गया राहुल परमार का थर्ड आ गया गोपाल शर्मा का फोर्थ आ गया हरीश कुमावत का फोर्थ आ गया सरस्वती डीजे अलवर का पांच आ गया राकेश हारण का राम राम आ गया जी सभी पिन हथोड़े हैं ये सभी पिन हथोड़े ये पिन और ये हथोड़े फिर कह रहा है कुछ हथोड़े चम्मच है हथोड़े और चम्मच में कुछ का संबंध ये कुछ हथोड़े चम्मच है फिर कह रहा है सभी चम्मच प्लेटें हैं ठीक है सभी चम्मच प्लेटे हैं तो ये चम्मच के ऊपर क्या आ गया प्लेट आ गया हो गया चलो अब चेक करो निष्कर्ष दोस्तों पढ़ो पहला कुछ चम्मच पिन है चम्मच और पिन के बीच में कोई संबंध है क्या नहीं दिख रहा है तो काट दो नहीं दिख रहा तो है ना दिखाना भी नहीं अपने को कुछ प्लेटें पिन है देखो दोस्तों प्लेट और पिन ये प्लेट ये पिन कुछ संबंध है क्या नहीं है काट दो बनाना भी नहीं है आंसर होगा फोर्थ दोनों में से कोई भी सही नहीं है समझ में आया कि नहीं आया आया समझ में तो पौने तीन सौ लाइव बैठे हो यार सो लाइक तो पहुंचा दो इस झटके में इस क्वेश्चन पे और यह अगला सवाल सभी हाथी उजले हैं कोई उजला चौपाया नहीं है तो फिर पांच निष्कर्ष है पांचों में से कौन सा होगा श्याम दीवाना राधे राधे मास्टर जी राधे राधे जी नाम तो तगड़े तगड़े लेके आते हो आप मास्टर जी कौ पुराना द्वापर युग का नाम लेके आया यार हैं इसका भी आंसर डी दे रहे हैं। नेपाल सिंह राठौड़ का तीन आ रहा है बाकी इनके मोआल तीन आ रहा है बाकी सबका चार चल रहा है राकेश मीणा का पांच आ रहा है मदनलाल चौधरी का चार आ रहा है शंकर गुजर का पांच आ गया लोकेंद्र बदोरिया का तीन आ गया सुनील कुमार बनारा सेकंड आ गया प्रताप सिंह थर्ड आ गया अब देखो सभी हाथी उजले हैं ये लो ये हाथी ये उजला सभी हाथी उजले हैं कोई उजला चौपाया नहीं है ये उजला और ये चौपाया दोनों अलग अलग है ध्यान रखना फिर कह रहा हूं कथन में नकारात्मक कथन डाल दिया तो फूक फूक के कदम रखना जब तक कथन में नकारात्मक कथन नहीं डाले चलते रहो नॉन स्टॉप कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन जहां नकारात्मक कथन दे दिया जाए ना वहां पर संभल के चलना विचार के चलना कुछ गड़बड़ हो सकती है अब देखो आप बन गया आपका डायग्राम चेक करो यह चीज ध्यान रखना यह जो चौपाया है ना यह इस उजले के आसपास भी नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि दोनों में कोई संपर्क नहीं है पहला क्या है कोई चौपाया हाथी नहीं है कोई चौपाया हाथी नहीं है बोलो दोस्तों दोनों में संपर्क हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि अगले ने मना किया कि उजले के पास में भी चौपाया नहीं आ सकता जो उजले के पास में नहीं आ सकता तो हाथी के पास में कहां से आ जाएगा हाथी तो पूरा इसकी सुरक्षा के अंदर बैठा है नहीं आएगा ना यह सही है दूसरा कुछ चौपाया हाथी नहीं है चौपाया हाथी कुछ का संबंध है ये तो गलत हो गया तीसरा कुछ हाथी चौपाया गलत है सभी चौपाया उजले हैं चौपाया उजले में कोई संबंध नहीं होगा केवल एक ही होगा और दूसरी बात होना ही एक ही है यार आगे वाले चेक करने की जरूरत क्या है क्यों क्यों एक से ज्यादा आंसर होने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं डाल रखे ऑप्शन सीधे सीधे निष्कर्षों को ऑप्शन बना रखे हैं तो एक ही आंसर होगा एक से ज्यादा कैसे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है सीधा सीधा क्योंकि उसने उजले को चौपाए के पास आने के लिए मना किया है तो जब चौपाया उजले को टच नहीं कर सकता तो हाथी को भी नहीं कर सकता दोस्तों ये आपका अगला सवाल फिर एक बढ़िया सवाल वापस से वो पीछे वाला पैटर्न रिपीट किया है मैंने एक दो क्वेश्चन में कहीं भूल नहीं जाओ क्योंकि इस चैप्टर की एक एक चीज आपके दिमाग में डालेंगे दोस्तों क्योंकि ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पिछले पेपर में पांच पांच क्वेश्चन आए थे इसके इसलिए इसको तो ढंग से पढ़ेंगे इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे चलिए कुछ तारे ग्रह हैं कोई ग्रह उपग्रह नहीं है चलिए बताइए क्या होगा फर्स्ट हो रहा है एक बार आगे वाले भी चेक करना दोस्तों मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है शायद एक से ज्यादा आंसर कंफर्म नहीं कर सकता देख के बता रहा हूं लग रहे हैं मुझे लक्षण लग रहे हैं ऐसा कि एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं एक बार आगे बढ़े और चेक कर लेना क्योंकि आपको पहला आंसर मिल गया तो आप पहले पे चले गए देखना एक बार चेक करो महेंद्र चौधरी नावा का फोर्थ आ रहा है बाकी सबका फर्स्ट आ रहा है पारस चौहान का फोर्थ आ रहा है देखो मैं समझाता हूं समझ लो कुछ ग्रह तारे हैं ये दोस्तों ग्रह ये तारे कुछ ग्रह तारे हां कुछ ग्रह तारे कोई दिक्कत नहीं है भाई फर्स्ट आंसर किस किस कौन कौन बता रहा है ऐसे कैसे कह रहे हो कह रहे हो राकेश मीणा कोचिंग सेंटर कहां है आपका कुचामन सिटी है राकेश जी ठीक है हाँ कुछ ग्रह तारे हैं ये ग्रह और ये तारे कोई ग्रह उपग्रह नहीं है कोई ग्रह उपग्रह नहीं है ये उपग्रह में साइड में लिख देता हूं यार एक बात बताओ ग्रह और उपग्रह में संबंध नहीं हो सकता मतलब ये वाला एरिया ये वाला एरिया टच नहीं हो सकते लेकिन उपग्रह तारे को तो टच कर सकता है ना इधर से मना तो इसी के लिए किया है अरे भाई आसपास में भटकने के लिए तो इसके इस घर के पास में नहीं आना इस घर के पास में तो जा सकते हैं नहीं होता है कई बार आपको कोई आपका दुश्मन कहे कि मेरे घर के पास में कैसे आ गया तू तेरे को मना किया था ना यहां नहीं आना है तो आप कह सकते हो कि मैं तेरे घर नहीं आया हूं मैं तो मेरे दोस्त पड़ोस वाले के घर में आया हूं तो अगला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना कोई तारा उपग्रह नहीं है क्यों नहीं हो सकता साहब इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है लेकिन वही बात चेक कर लो कि कोई तारा उपग्रह नहीं है कहीं ऐसा भी लिखा है क्या इसका जोड़ीदार कौन सा कुछ तारा उपग्रह है अगर यह लिखा होता तो अपन विचार कर लेते लेकिन यह लिखा हुआ कहीं भी नहीं है इनमें संबंध तो नहीं है लेकिन बढ़ा सकते हैं मना तो इनके लिए कर रखा है यहां कोई मनाई नहीं है तो यह गलत है दोस्तों ध्यान रखना इस बात का यह है ना यह एक स्टेटमेंट आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा मेरी नजर में सबसे ज्यादा गलती आपसे यही करवा सकता है हरदीप जालोपिया अरे भाई फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा केवल फोर्थ ही होगा ठीक है मैंने यहां पहले स, एक बार पढ़ने में सभी पढ़ लिया था दूसरा देखो सभी तारे ग्रह हैं ये तारार ग्रह हो ही नहीं सकते सभी तारे या तो ग्रह हैं या उपग्रह हैं सभी तारे या तो ग्रह या उपग्रह ये भी नहीं हो सकता कुछ ग्रह है तारे हैं बिल्कुल ग्रह है और तारे के बीच में सभी का संबंध है ग्रह और तारे एक दूसरे को काट रहे हैं ऑप्शन फोर्थ आपका सही है केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन सही होगा बाकी और एक भी सही नहीं होगा सबके सब अलग अलग होंगे सबके सब गलत है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इज इट क्लियर और नॉट योगेश पचार ऐसे कैसे प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न है योगेश जी ऐसे ही प्रश्न आते हैं है ना आजकल कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया श्याम जी सर गणा गणा राम 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 शाह चलिए ले अरे कर ले अगला क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड सर यस सर माइंड में ऐसे ही चीज आ जाए तो फिर इस टॉपिक के पांच पांच क्वेश्चन कांस्टेबल में थोड़ी आए यार सोचो आप ये वो ये एक टॉपिक ऐसा है जो सिलेक्शन करवा देता है और ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपको भीड़ में छोड़ देता है मतलब सिलेक्शन होना नहीं होना मेरी नजर में इस एक टॉपिक पे डिसाइड होता है क्योंकि इसी टॉपिक में कंफ्यूजन है जितनी माता पक्षी कर लोगे इस पे उतना फायदे में रहोगे इससे दूर भागना मतलब कंपिटिशन में आओ आगे भीड़ की छटनी करके सेलेक्शन की ओर आगे नहीं बढ़ना मेरी नजर में पढ़ो आप सवाल कुछ फल आम है कुछ आम लाल है सभी लाल सब्जियां हैं कोई फल लाल नहीं है कुछ फल लाल है देखना दोस्तों अरे लाइक तो करते जाओ देख ये अजय राठी बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई योगेश पचार इसका कमेंट पढ़ ले कि सर ये क्वेश्चन राइट हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता क्योंकि इसको भाई को खुद को पता है ये पेपर दिया हुआ है कोई फल लाल नहीं है कुछ फल लाल है दोस्तों देख लो दोनों करता सेम एक में कुछ एक में कोई नहीं इसको चेक कर लेना डायरेक्ट काटा पिटी मत कर देना अब मैं समझाता हूं इसको समझ लो आप आराम से समझ लो कुछ फल आम है ये फल और ये आम कुछ फल आम है कुछ आम लाल है कुछ आम लाल है और सभी लाल सब्जियां हैं, सभी लाल सब्जियां हैं। अब मैं देखो सीधी सीधे एक ट्रिक बता रहा हूं आपको वो ध्यान में रखनी है सीधा सा तरीका ऐसे क्वेश्चन को पहचान करने का ये दो निष्कर्ष आपको दिए पहला कह रहा है कोई फल लाल नहीं है दूसरा कह रहा है कुछ फल लाल है एक बात याद रखना जो संभावना बनती है ना दोस्तों मैं जो संभावना शब्द बोल रहा हूं शुरू से वो संभावना किस किस में बढ़ती है वो संभावना केवल बढ़ती कुछ में और कोई नहीं में सीधे तरीके के अनुसार बात करते हैं डायरेक्ट चीज कैसे समझ में आए मान लेता हूं मैं दो करता ए और बी है तो एक संभावना तो इनमें बनेगी कुछ ए बी है हमेशा और दूसरी बनेगी कोई ए बी नहीं है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों संभावना दे रखी है ठीक है तो फिर उस क्वेश्चन में डायरेक्ट गलत मत करना कथन को पूछ के ही करना जो कुछ करना है ठीक है और कथन को कैसे पूछना देखो मैं समझाता हूं आपको पढ़ो आप पहला कुछ फल लाल कोई फल लाल नहीं है ये फल है ये लाल है दोस्तों दोनों के बीच में सीधा दिख रहा है ना आपको कोई संबंध नहीं है लेकिन इसका दूसरा वाला जोड़ीदार साथ लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो फिर अपने को को कथन पूछना पड़ेगा क्या कि फल और लाल में कोई संबंध नहीं है लेकिन हम इनके बीच में संबंध बनाने जा रहे हैं आपको कोई तकलीफ है यह क्या कह रहा है सुनो देखो ठीक है आपको कोई तकलीफ है ये क्या कह रहा है, है? है, ये, कह रहा है? ये, ये कह रहा है कि ये तीन काम कर लो बाकी आपके जो मर्जी आए वो करो और सीधी सीधी बात ये देख लो ना सोल्ट एंड स्वीट क्या किसी कथन में कुछ भी नहीं करने के लिए मना किया है क्या कि ऐसा मत करना नहीं किया और अगर मना ही नहीं किया इसने कहे वो काम अपन ने कर दिए तो फिर तो अपनी मनमर्जी है यार जो तो इनके बीच कोई संबंध नहीं है लेकिन बढ़ सकता है अगर बन सकता है तो ये दोनों के दोनों सही मानेंगे लेकिन या तो की शर्त के अनुसार क्यों दोनों सही नहीं हो सकते दोनों में से एक सही होगा कौन सा होगा ये नहीं पता इसलिए अपन ने मान लिया कि या तो पहला सही है और या दूसरा सही है और अब आपका ये शुरुआत हो गई देखो तीसरे ऑप्शन की पढ़ो क्या कह रहा है क्या कि या तो निष्कर्ष एक सही अथवा निष्कर्ष दो सही है दोनों में से एक सही है कौन सा है नहीं पता इसीलिए अपन ने आंसर कौन सा दे दिया थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड क्वेश्चन है गजब का सवाल है शानदार क्वेश्चन है अभी भी पांच आंसर दे रहे हो गलत दे रहे हो एक और दो दोनों सही है ये नहीं कहेंगे या तो एक या दो सही है ये कहेंगे तीसरा आंसर होगा ये गलती कभी मत कर देना नहीं तो आते हुए नौकरी लगने से रह जाओगे दोनों सही नहीं है दोनों में से एक सही है कौन सा है ये नहीं पता इसलिए अपन ने कह दिया कि या तो निष्कर्ष एक सही है या दो सही है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गजब का सवाल था शानदार सवाल इस बात पे पहुंचाओ लाइक 130 सौ से और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर हरदीप जालोपिया क्यों है सर दोनों सही अरे दोनों सही इसलिए है क्योंकि दोनों में से एक तो सही होगा कंफर्म है या तो दोनों अलग अलग होंगे या कुछ का संबंध होगा लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा ये अपन नहीं कह सकते इसलिए अपन ने यही आंसर दे दिया कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है और वो ऑप्शन में लिखा हुआ भी था तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो अपने को चाहिए वो लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं आंसर आ जाएगा आपको और दो चार क्वेश्चन करो समझ में आ जाएगा कल्पना खींची चक्कर आवे कौन ही आवा चिंता मत करो और अभी चक्कर आएंगे ना तो तैयारी करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये चैप्टर ही क्लियर करना ही पड़ेगा आपको और यही एक मात्र मेथड है इसमें जितना दिमाग पचाओगे उतना ही बड़ी है कुछ बसे दरवाजे हैं कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं सभी खिड़कियां बगीचे हैं अरे कथलों में पॉजिटिव ही पॉजिटिव कथन होना तो फिर आप संभावना बढ़ा सकते हो मन मर्जी से बढ़ा लो जिसके चाह चाहिए वैसे बढ़ा लो तीसरा और चौथा दो आंसर आ रहे हैं देखो कुछ बसे दरवाजे हैं ये बसें ये दरवाजे बस और दरवाजा कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं ये दरवाजे और ये खिड़कियां कुछ सभी खिड़कियां बगीचे खिड़की के ऊपर बगीचा आएगा दोस्तों क्योंकि सभी का सा है ठीक है सभी खिड़कियां बगीचा है लो जी डायग्राम बढ़ गया चेक करो फिर पहला कुछ बगीचे बसे हैं ये बगीचा यह बस दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है नहीं है तो काट दो अरे दिमाग केवल वहीं लगाना है जहां कोई नहीं वाली बात कही हुई हो बाकी लगाना ही नहीं है छोड़ते चलो अगला कुछ खिड़कियां बस हैं देखो दोस्तों ये खिड़की ये बस इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है संबंध बढ़ाएंगे तो भी संभावना बढ़ेगी संभावना यहां लिखी हुई नहीं है छोड़ दो और अगला कुछ बगीचे दरवाजे हैं दोस्तों ये बगीचा ये दरवाजा बोलो काट रहे हैं ना एक दूसरे को काट रहे हैं तो केवल कौन सा निष्कर्ष सही है निष्कर्ष तीन सही है केवल और केवल और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है पहले में केवल एक सही केवल दो सही एक और दो सही एक या तीन सही इनमें से कोई नहीं आंसर है इनमें से कोई नहीं यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है ना अभी तक 22 क्वेश्चन करवाए 22 में से ये मान के चल लो ग्यारह किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ग्यारह इंपॉर्टेंट है मिक्स डाला है एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ और उसी पर रिलेटेड मतलब एक लॉजिक समझाने के लिए एग्जाम पर डाला है तो दूसरा उसी लॉजिक पर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डाला है इतनी मेहनत करके ये पीपीटी तैयार की हुई है ओनली तीन का ऑप्शन नहीं है ना तो फिर क्या हो गया पांचवा पड़ा है आपके पास क्या इनमें से कोई नहीं चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज के सेशन का क्योंकि आराम से धीरे धीरे समझ लेंगे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर चीज को अच्छे से समझ के बाईस नंबर रिपीट करूं हरिओम योगी विराट कोहली मैं आपका फैन हो गया वाह थैंक यू सर हरिओम योगी बाईस नंबर रिपीट ठीक है भाई लक्ष्य अब आने दो सर चलो बताओ आंसर सभी लालटेन दीवारें हैं कोई दीवार ईंट नहीं है कुछ ईंटे कुर्सी है देख लो निष्कर्ष में दिखा देता हूं आपको चेतावनी या फिर पहले से आपको सचेत कर देता हूं कुछ कुर्सियां लालटेन है और कोई कुर्सी लालटेन नहीं है दोनों में करता सेम है एक में कुछ और एक में कोई नहीं है यहां या तो की शर्त लग सकती है अगर यह मना नहीं करे तो चेक कर लेना ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पता चलता है संभावना का कि यहां होगी या नहीं होगी चलो अब चेक करते हैं देखो क्या है। सभी लालटेन दीवारें हैं ये लालटेन ये दीवार सभी लालटेन दीवार है कोई दीवार ईंट नहीं है ये दीवार ईंट कोई दीवार ईंट नहीं है तो ईंट दीवार से अलग आ जाएगी और कुछ ईंटें कुर्सियां हैं तो ये कुछ ईंटे हो गई कुर्सियां लो जी साहब हो गया काम अब पढ़ो पहला क्या कह रहे कुछ कुर्सियां लालटेन है दोस्तों एक चीज देखना आप मना किसके लिए किया हुआ है यही बात ध्यान देनी है इसने मना किसके लिए कर रखा है इसने मना कर रखा है कि ये ईंट का इतना क्षेत्र है ना ये दीवार के आसपास भी नहीं जाएगा तो ईंट का ये क्षेत्र दीवार के पास में नहीं जाएगा तो लालटेन के पास तो जा ही नहीं सकता क्योंकि लालटेन तो इसके भी अंदर बैठी है है या नहीं है चलो ये बात तो हो गई लेकिन एक बात बताओ आप ईट इसके पास नहीं जा सकती कुर्सी वाला ये हिस्सा तो जा सकता है ना क्यों इतना नहीं जा सकता ये जा सकता है यहां संभावना बन सकती है बस कथन से अपने अपन ने जो चीज चेक करनी थी वो कर ली कथन ने अपन ने मना किया उसका अपन ने सम्मान कर दिया कि चलो इतने क्षेत्र को हम वहां नहीं ले जाएंगे लेकिन ये तो ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं तो चेक करो कुछ कुर्सियां लालटेन है कुर्सी और लालटेन के बीच कोई संबंध नहीं है लेकिन बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसने जिसके लिए मना किया वो चीज अपन ने हटा दी और संबंध बढ़ाएंगे ना दोस्तों तो संबंध बढ़ाने के लिए साथ में आपको चीज दे रखी है कुछ कुर्सियां लालटेन है कोई कुर्सी लालटेन नहीं है यही दो स्थिति बन सकती है अभी देख लो आपको दिख रहा है लालटेन और कुर्सी के बीच कोई संबंध नहीं है तो क्या निष्कर्ष दिख रहा है कोई लालटेन कुर्सी नहीं है लेकिन अगर संबंध बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा कुछ लालटेन कुर्सी है संभावना सभी के साथ कभी नहीं बनती कुछ और कोई नहीं में बनती ध्यान रखना कुछ लालटेन कुर्सी है और ये दोनों चीजें दे रखी है तो दोनों सही है कौन सी शर्त के अनुसार या तो के अनुसार चेक हो गया अब बीच वाला देख लो क्या कुछ ईटे लालटेन है ईंट और लालटेन हो ही नहीं सकता मना कर रखा है कि ईंट तो इसके आसपास ही नहीं आएगी ये तो गलत है निष्कर्ष या तो एक सही है या तीन है सही है कहां लिखा हुआ है यह लिखा हुआ या तो एक या तीन सही थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर तीसरा सही है पांचवा पहला अरे थोड़ा सोच के करो अब है ना अब चीजों को समझते समझते करो अब हवा में तीर मत मारो ठीक है यह आपका सेशन था आज का सेशन इसीलिए मैंने आपको पहले कह दिया कि लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा ये वो क्वेश्चन है जहां से अपना कल का कंसेप्ट स्टार्ट होगा अब देखो दोस्तों संभावना वाले क्वेश्चन आने चालू हो गए तो अब सबका मिक्सअप चलेगा कहीं पे कोई सा भी लॉजिक लग सकता है इसलिए अब हर एक चीज हर क्वेश्चन हर पॉइंट आपके काम का है और कल की क्लास तो इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी कि कल की क्लास में जिसने 80 परसेंट क्वेश्चन सही कर दिए ना यह मान के चलना वेन डायग्राम का वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा यह कंफर्म है तो चलिए दोस्तों ये आज का सेशन था बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का ठीक है कल वापस से इसी प्रकार से आप सभी के सभी सपोर्ट करें तो कल और भी ज्यादा मजा आए और भी ज्यादा जुनून आए क्लास में तो मिलते हैं कल शाम को सात बजे इसी टॉपिक के साथ और अच्छे कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद